हेलो। तो क्या हाल चाल है भाई, आप सभी के सब ठीक ठाक तो चल रहा है ना। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास Redmi का कोई भी डिवाइस है तो आपको किस तरह से पता करना है कि हाँ भाई, मेरा जो ये Redmi या Xiaomi का डिवाइस है इसमें मुझे Android 11 का अपडेट मिलेगा या नहीं। उसी के साथ ही MIUI 12 को भी हम यहाँ पर टेस्ट करने वाले हैं कि आपके पास जो पर्टिकुलर स्मार्टफोन है Redmi या Xiaomi का, तो उसमें आपको Android 11 का अपडेट मिलेगा या नहीं। तो ये जानने के लिए और सीखने के लिए कि आपको किस तरह से चेक करना है अपने डिवाइस में, ये इस वीडियो को देखना होगा बिल्कुल लास्ट तक। बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि जो आपके पास Redmi या Xiaomi का कोई भी डिवाइस है तो आपको किस तरह से पता करना है कि जो Android 11 का अपडेट है आपको फ्यूचर में मिलेगा या नहीं। तो और भी डिवाइसेस के लिए जो वीडियोस है मैं वो लेकर आने की कोशिश करता रहता हूँ, जैसे कि Realme, Samsung और बाकी ब्रांड्स के, और उसके साथ ही जो बाकी ब्रांड्स के कन्फर्म्ड Android 11 के रोड मैप है तो उसका वीडियो भी मैंने तैयार कर दिए हैं, तो वो भी आपको हमारे चैनल पर सभी वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी। खैर, अगर हम इस वीडियो के बारे में बात करें तो ये सब चीज़ें जानने के लिए आपको अपने इसमें सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा MIUI Rex ऐप। तो ये आप यहां पर देख सकते हैं, ये है इस ऐप का आइकन, और इस ऐप का नाम जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो MIUI Rex ये ऐप है, आपको आसानी से प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगी। ये कोई Xiaomi की ऑफिशियल ऐप नहीं है कि जहां से आप जो है मतलब कि Xiaomi क्लेम करता है, ये जो है एक थर्ड पार्टी ऐप है, और ये एक आप समझ सकते हैं कि MIUI फैंस की ऐप है, जिसमें कि MIUI फैंस को जो है एक अर्ली या आप कह सकते हैं कि भाई इजी तरीका आपको मिल जाएगा। इस ऐप में आपको सभी कस्टम रोम्स जो Xiaomi के डिवाइसेस की हैं वो मिल जाएंगी, यानी कि जितने भी लेटेस्ट अपडेट आपको अपने Xiaomi या Redmi के डिवाइसेस में देखने को मिलते हैं तो वो सभी रोम्स आपको यहां पर अवेलेबल मिल जाएंगी, जो कि मैं आगे चलकर आपको इस वीडियो में बताने ही वाला हूं। देखिए, इस ऐप को जैसे ही आपने अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लिया, MIUI Rex को आप जस्ट ओपन कीजिए, बाद जो है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है। यहां पर नो इंटरनेट कनेक्शन दिखा रहा है, तो इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन का इंटरनेट भी ऑन कर लेना है। तो यहां पर मैं जस्ट सिंपली एग्जिट आता हूं क्योंकि मैंने इंटरनेट ऑन नहीं किया था, अब मैंने इंटरनेट ऑन कर लिया है। तो अब मैं जो है इस ऐप को यहां पर ओपन कर लिया है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप यहां पर देख सकते हैं, ये ऐप ओपन हो चुका है और कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहां पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको जो है अपने स्मार्टफोन का जो डिवाइस है वो यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने सिलेक्टेड डिवाइस में Redmi 7A यहां पर सिलेक्ट किया हुआ है क्योंकि मेरे पास Redmi का 7A भी पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें जो ये इंटरफेस है वो मुझे शो नहीं कर रहा था। तो यहां पर मैंने अपने दूसरे स्मार्टफोन में ये जो है चीज यहां पर डाल के देखी है। इसके बाद अगर आप देख सकते हैं Redmi 7A के लिए, मैं आपको एक एग्जांपल यहां पर दिखा रहा हूं, तो जो Redmi 7A का लेटेस्ट रोम है तो वो हमें यहां पर देखने को मिल चुका है, जिसके बारे में कि मैंने वीडियो जो है अभी सुबह बनाई हुई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्जन 11.0.5 का जो अपडेट है वो भी हमें यहाँ पर इंक्लूड देखने को मिल चुका है। तो अगर आप जो है इसे फ्लैश करना चाहते हैं तो इस रोम को भी अपने Redmi 7A के लिए यहाँ पर फ्लैश कर सकते हैं। ये एक छोटी सी टिप मैंने आपको दे दी है। खैर, आपके पास जो भी डिवाइस है आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, और उसके बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे जो कि छोटे छोटे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, जो कि MIUI 12 का लोगो है, तो यहाँ पर आप पहचान सकते हैं। तो MIUI 12 का अगर आपको स्टेटस जानना है तो जस्ट इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है, और आप यहां पर देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं फोकस कर लेता हूं, तो उसके बाद आप देख सकते हैं योर डिवाइस इज एलिजिबल फॉर MIUI 12 अपडेट एंड MIUI 12 स्टेबल विल बी अवेलेबल सून। यहां पर बता दिया है कि मेरा Redmi का 7A इस अपडेट के लिए एलिजिबल है, और उसके बाद अगर Android 11 पे मैं क्लिक करूं तो यहां पर इसने बता दिया योर डिवाइस इज नॉट एलिजिबल फॉर Android 11। तो बस भाई, छोटी सी प्रोसेस है, आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, जस्ट अपना यहाँ पर डिवाइस सेलेक्ट करना है और दो ऑप्शन है इन पर क्लिक कीजिए। आप जान पाएंगे कि किस तरह से आपको इन दोनों ये दो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगी या नहीं। तो दोस्तों, बस यही थी एक छोटी सी वीडियो जो कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के बेस्ड पे यहाँ पर दे दी है। अगर इस तरह की आपको वीडियोस चाहिए तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे वीडियोस जो है आप रेगुलर देखेंगे तो जरूर से हम आपको गिव अवे भी लेकर आने वाले हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।